हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह तवर के नेतृत्व में बुधवार को जिले भर के सरपंचों ने बाढ़ में जिला कलेक्टर विश्राम मीना और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नों को 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष हिंदू सिंह तवर ने बताया कि पिछले कार्यकाल का 168 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है, जिसकी वजह से गांव का विकास कार्य ठप पड़े हैं। ऐसे में आज हमने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जल्दी बकाया 168 करोड़ रुपए का भुगतान करवाया जाए, जिससे फिर से विकास कार्य शुरू हो सके। इसके अलावा हमने सरपंचों के लिए टोल फ्री करवाने की भी मांग की है। जिला प्रवक्ता कैलाश दान जंगली ने बताया कि कोरोना काल के बाद से बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं होने तथा पिछले साल का करीब 168 करोड़ रुपए का बजट रिलीज नहीं होने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला सरपंच संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष हिंदू सिंह तामलोर ने बताया कि पिछले एक साल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप है एवं कई लोग बेरोजगार बैठे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले साल का करीब 167 करोड़ रुपए का बजट भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है एवं जिले के समस्त सरपंचों को किसी न किसी कार्य जिला मुख्यालय आना पड़ता है, इसलिए रोजाना उनको नेशनल हाईवे पर टोल भी देना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के लिए बजट की स्वीकृति पिछले साल के रुके हुए बजट के रिलीज एवं टोल फ्री सहित कुल 8 प्रकार की मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान मौजूद रहे नींबू सिंह उड़खा, अलसा राम कुमावत, रोहिली हनुमान, राम चौधरी, चैन करण साह, कनाना मनोहर जी, विष्णुई धोरी मन्ना, रमेश कुमार मेघवाल, प्रताप राम, हिलाल खान चौटन आदि सरपंच गण मौजूद रहे। मेरा नाम इंदु सिंह तामलोर है, मैं जिला अध्यक्ष सरपंच संघ बाड़मेर से। मुख्य मुद्दे यही है हमारे, एक तो 168 करोड़ रुपए नरेगा मटेरियल बाड़मेर जिले का भुगतान बाकी पड़ा है, जिससे हमारी जो फर्म है जो मटेरियल सप्लाई नहीं कर रही, जिसमें गांव का विकास बाधित हो रहा है। और पिछले एक साल हो गया हमारे को सरपंच कार्यकाल को, लेकिन हमारे अभी तक ग्राम पंचायत में जो विकास के लिए जो किस्त की राशि आती है वो अभी तक हस्तांतरित नहीं की गई है, जिससे हमारा गाँव में विकास बाधित हो रहा है। सफाई कर्मचारी से लेकर काफ़ी लोगों का जो पेमेंट बाकी है, बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।